वेलकम बैक गाइस ऑन बैकबेंचर मेडिकल्स, जहाँ पे हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में। सो गाइस देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। सो गाइस आज का जो हमारा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू इंसिनिटी एंड फेंट इंसिनिटी। तो ये ट्रू इंसिनिटी एंड फेंट इंसिनिटी के में हम डिफरेंस देखेंगे। तो फेंट इंसिनिटी मतलब फॉल्स इंसिनिटी भी होता है। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। सो गाइस सबसे पहला पॉइंट जो है, द ऑनसेट इज यूजुअली ग्रेजुअल। तो ट्रू इंसिनिटी जो है वहाँ पर ऑनसेट इज यूजुअली ग्रेजुअल, और जो फर्स्ट फेंट इंसिनिटी है वहाँ पे ऑनसेट इज यूजुअली सडन। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, प्रीडिस्पोजिंग कॉज इज प्रेजेंट इन ट्रू इंसिनिटी एंड प्रीडिस्पोजिंग कॉज इज अब्सेंट इन फेंट इंसिनिटी। नेक्स्ट, मोटिव इज अब्सेंट एंड मोटिव इज प्रेजेंट इन फेंट इंसिनिटी। नेक्स्ट, सिम्टम्स यूजुअली यूनिफॉर्म एंड सजेस्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसऑर्डर। तो यहाँ पे जो है सिम्टम्स जो है पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसऑर्डर की तरफ हमें इशारा करते हैं। नेक्स्ट, सिम्टम्स आर एग्जैग्रेटेड एंड डू नॉट कन्फाइन टू पर्टिकुलर डिसऑर्डर। ये जो है फेंट इंसिनिटी के जो सिम्टम्स जो है वो पर्टिकुलर डिसऑर्डर की तरफ पॉइंट आउट नहीं करते। नेक्स्ट, फेशियल एक्सप्रेशन इज वैकेंट, फिक्स्ड और लिस्टलेस इन ट्रू इंसिनिटी। फेशियल एक्सप्रेशन इज फ्रीक्वेंट चेंज एग्जैग्रेटेड ग्रिमासेस। जो फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो प्लेसेस के हिसाब से जो है वो यहाँ पे चेंज होते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन फीचर इज कंटिन्यूड। ऑब्जर्वेशन के समय जो है वो फीचर्स जो है, ये कौन से फीचर्स, जो फेशियल एक्सप्रेशन के फीचर्स जो है या फिर जो सिम्टम्स जो है वो कंटिन्यूड होते। ऑब्जर्वेशन फीचर्स एग्जैग्रेटेड अंडर द ऑब्जर्वेशन एंड अब्सेंट व्हेन पेशेंट इज नॉट ऑब्जर्व। जो जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो फीचर्स जो है, जो सिम्टम्स जो है यहाँ पे हमें दिखते हैं, और जब हम ऑब्जर्व नहीं करते होते तब जो है सिम्टम्स यहाँ पे हमें नहीं, पेशेंट जो है, पेशेंट्स में जो है हमारे वो सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। जब ऑब्जर्व करते हैं हम तब सिम्टम्स उनमें होते हैं, और जब ऑब्जर्व नहीं करते तो सिम्टम्स नहीं होते। किसमें? फेंट इंसिनिटी में। और ट्रू इंसिनिटी में क्या होता है, हम ऑब्जर्व करें या ना करें सिम्टम्स जो है हमें दिखते हैं। इंसोमनिया ऑफ्टन परसिस्ट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, कैनॉट विदस्टैंड स्लीप फॉर मोर पीरियड। तो ये जो है काफ़ी समय तक जाग सकते हैं, कौन से पेशेंट? ट्रू इंसिनिटी के पेशेंट्स। और जो फेंट इंसिनिटी के पेशेंट जो है वो ज़्यादा समय तक जागकर नहीं रह सकते। नेक्स्ट, विस्टैंड फटिक एंड हंगर प्रोलॉन्ग पीरियड। ये जो है भूख ज़्यादा समय तक भूख को जो है वो ज़्यादा समय तक सह सकते हैं। कैन नॉट विस्टैंड फटिक और हंगर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। ये जो है ज़्यादा समय तक भूख सहन नहीं कर सकते, कौन? फेंट इंसिनिटी के पेशेंट्स। नेक्स्ट, डू नॉट पे अटेंशन ऑन द पर्सनल हाइजीन, हैबिट्स आर डर्टी एंड फिल्थी, दे प्रिटेंड बट पे अटेंशन टू द हाइजीन। फेंट इंसिनिटी जो पेशेंट जो है वो पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान देते हैं। डू नॉट माइंड फॉर फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, कौन? ट्रू इंसिनिटी के पेशेंट्स। रिसेंट्स बिकॉज ऑफ फियर ऑफ डिटेक्शन। फेंट इंसिनिटी के पेशेंट जो है वो एग्री नहीं करते हैं फॉर फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो ये हो गया मेरा डिफरेंस बिटवीन ट्रू इंसिनिटी एंड फेंट इंसिनिटी।